नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के न्यूज जंक्शन में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, टीम इंडिया में साल 2021 में कई बदलाव देखने को मिले हैं। कभी कैप्टनसी को लेकर, कभी विराट और बीसीसीआई की कंट्रोवर्सी सुनने में आई, तो कभी रोहित शर्मा और विराट के बीच झूठी अनबन की खबरें भी आई थी। और अब साल 2022 की शुरुआत भी टीम इंडिया के लिए कुछ खास नहीं रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई। लेकिन इससे पहले भी बड़ी चिंता की बात तब हुई जब विराट कोहली दूसरा टेस्ट खेलने मैदान पर नहीं उतरे, क्योंकि विराट कोहली की पीठ में दर्द है और ऐसे में केएल राहुल को टीम की कप्तानी सौंपी गई। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या विराट कोहली आखिरी टेस्ट मैच में खेल पाएंगे, क्या वो वनडे में खेलते हुए दिखाई देंगे। इन सभी सवालों का जवाब हर क्रिकेट फैन चाहता है, जो कि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए चिंता की बात ये है कि साउथ अफ्रीका टूर अभी शुरू ही हुआ है और विराट कोहली पहले मैच के बाद ही अनफिट हो गए हैं। और अगर विराट कोहली वक्त पर फिट नहीं होते हैं तो उनके आखिरी टेस्ट और वनडे की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े होंगे। वेल दोस्तों, केएल राहुल ने दूसरे टेस्ट के टॉस के वक्त में बताया था कि विराट कोहली की पीठ में अकड़न है, इसी वजह से उन्हें आराम दिया गया है। हालांकि केएल राहुल ने ये भी कहा कि टीम को उम्मीद है कि विराट कोहली तीसरा टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे और उम्मीद है कि तब तक वो फिट हो जाएंगे। बता दें कि विराट कोहली को मैच से पहले बाकी खिलाड़ियों से बात करते हुए भी देखा गया था, जिसमें वो अपने पीठ के दर्द पर बात करते हुए दिखाई दिए थे। अब दोस्तों, ऐसे में टेस्ट मैच पर खतरा तो मंडरा ही रहा है, बल्कि वनडे पर भी इसका कितना असर देखने को मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। विराट कोहली अभी वनडे टीम के मेंबर हैं और काफी लंबे वक्त के बाद वो किसी दूसरे कैप्टन के अंडर में वनडे सीरीज खेलने वाले थे, लेकिन अब जब उनकी चोट सामने आई है तब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली भले ही तीसरे टेस्ट के लिए फिट हो जाएं, लेकिन अगर उनका दर्द बढ़ता है तो इतना बड़ा रिस्क लेकर उनका वनडे सीरीज खेलना फ्यूचर के प्रोग्राम के लिए चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है और ऐसे में खुद विराट कोहली भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। बता दें दोस्तों कि इससे पहले व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा भी चोट के चलते साउथ अफ्रीका टूर से बाहर हो चुके हैं, जिसकी वजह से केएल राहुल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। बता दें कि वनडे सीरीज का जो आगाज है वो 19 जनवरी से होने वाला है और अब तीसरे टेस्ट मैच में विराट की वापसी होती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर विराट वनडे मैच नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं और दोनों की टीम में ना होने से टीम को नुकसान हो सकता है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।